वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम विवेक कुमार सिंह। तो हम लोग जो है पिछला चैप्टर जो है टाइम इसको पढ़ रहे थे, इसी में हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं डेज ऑफ ए वीक। तो हम लोगों को पता है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का जो पृथ्वी है ना, वो गोल होता है। पृथ्वी जो है अर्थ, वो कैसा है? गोल होता है। और वो जब एक बार गोल गोल इस तरह से घूमता है अपने ही जगह पर, जब वो गोल घूमता है तो उसको गोल घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, 24 आवर्स का टाइम उसको लगता है एक बार गोल घूमने में। इसी चीज़ को हम लोग वन डे कहते हैं, एक दिन इसी को कहा जाता है। तो जो हम लोगों का 7 डेज ऑफ वीक है, सेवन डेज ऑफ वीक में कौन कौन सा है? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 दिन जो है हम लोगों के एक सप्ताह में होता है। और ये जो है बार 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 अल्टरनेट करता है। एक बार संडे से सैटरडे तक हम लोग जाते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट फिर से संडे आ जाता है, और यही साइकिल रिपीट होते रहता है। अब जो है एक्सरसाइज 8.5, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है उसमें कहा है उसका आंसर देना है। तो विच डे कम्स आफ्टर मंडे, तो मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो सभी लोग जानते हैं मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? विच डे कम्स आफ्टर मंडे, तो लिखेंगे इसका आंसर ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ट्यूसडे आता है, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, इसका आंसर लिखेंगे सैटरडे के बाद क्या आता है? तो संडे, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। थर्ड क्वेश्चन जो है विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? तो इसका आंसर लिखेंगे थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। नेक्स्ट है विच डे कम्स बिफोर संडे, तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? बिफोर मतलब कि पहले, तो संडे से पहले क्या आता है? तो लिखेंगे सैटरडे कम्स बिफोर संडे। फोर्थ है विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे से पीछे, ट्यूसडे से पहले क्या आता है? तो ट्यूसडे के पहले आता है मंडे, तो लिखेंगे मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। लास्ट है विच डे कम्स बिफोर थर्सडे, तो थर्सडे से पीछे क्या आता है? थर्सडे से पहले, तो इसका आंसर लिखेंगे वेडनेसडे कम्स बिफोर थर्सडे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपका होमवर्क होगा, इस सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग घर से लिख के भेजिएगा ग्रुप में। और अगला वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।